तो गाइस अब हम आए हुए हैं यहाँ जलियांवाला बाग पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पार्क किया हुआ है। यहाँ पे सब बताया गया है, शहीदों का स्मारक किधर किधर हैं, और यहीं पे गैलरी है और गैलरी में सारी चीज़ें चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पे बुलेट के निशान हैं, जो उस वक्त के यहाँ बुलेट लगी थी दीवारों पर, उन निशानों को सिक्योर कर दिया गया है, कवर किया गया है कि उन्हें किसी तरीके से यहाँ पे बचा कर रखा जा सके। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं वो सारी चीज़ें। जो आप देख पा रहे हैं यहीं पे जो सैनानी थे, जो लोग थे, उन्हें काट कर डाल दिया गया था। यहाँ से थोड़ा दिख थोड़ा मुश्किल से पा रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा कुआं है ये। आप करीब आकर देखिए इसे, तो आपको दिखेगा कि बहुत गहरा और बहुत बड़ा ये कुआं दिख पा रहा होगा आपको। उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल से दिख पा रहा है। बताना चाहूँगा कि ये जो जलियांवाला बाग है, हिंदुस्तान की शान है। आज हिंदुस्तान आज़ाद है, आप सांस ले सकते हैं, खुल के जी सकते हैं, रोड बने हुए हैं ज़बरदस्त। ये पुरानी आज़ाद के टाइम के लोगों ने जो इनकलाब के लिए मेहनत की थी, ये वो कुआ है जिसके अंदर शहीदों को काट के डाल दिया गया। यहाँ आज भी उस टाइम के मौजाद जारियत से लोगों का कत्ले आम करा गया था। तो जलियांवाला बाग में जो गोलीबारी हुई थी, जो गोलीबारी चली थी, वो आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये निशान है सारे, और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये बुलेट उस टाइम की कितनी ज़्यादा हैवी थी कि एक एक निशान आप देखिए पूरा पूरा गहरे हो चुके हैं वो निशान। और जो उसमें कुछ लोग पीछे कुएं में कूद गए थे और कुछ लोग जो थे इधर आ गए थे, तो इधर आप देख सकते हैं गोलीबारी के निशान, एक एक निशान को इन्हें स्पॉट को कवर किया गया है। और ये जो ईंटें थी उस वक्त की, ईंटों को भी इन्हें मतलब ये गोली ने ईंटों को भी तोड़ दिया था। कुछ गोली के निशान उधर हैं और कुछ गोली के निशान आप देखिए नीचे हैं। सब निशानों को सिक्योर करा गया है, कवर किया गया है पहले से। ये देखिए इधर भी है निशान और उधर भी हैं, और ये बीच वाला देखिए आप, ये निशान क्लियर आपको दिख पा रहा होगा थोड़ा। जैसे कि ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के शहीदों के
जज्बात दिखाई देंगे आपके उसके अंदर। हिंदुस्तान के जो शहीद थे उन्होंने किस तरह से अपनी आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया देश पे, आज आप इस हाल में खुशहाल हैं मौजूद, तो हिंदुस्तान की शहीदों की वजह से है। आज जो जरिया बाविया चल रही है, इतनी ज़बरदस्त मज़लूमों को दबाया जा रहा है, ज़ालिमों को उठाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ जो हमारे शहीदों ने आवाज़ उठाई वो बहुत एक ज़बरदस्त इनकलाब था। आज ये दिखाया जाता है देश की आज़ादी के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इस कुर्बानी के लिए है। या आप देख सकते हैं वाइट सर्कल के अंदर गोलीबारी, शहीदों ने अपनी जान दी है यहाँ। तो ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है स्मारक चिन्ह, और इसे पहचान के लिए बनाया गया है। जो यहाँ पर शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में, जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये, और इसके आसपास पानी पर गाइस, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और अब अगर आप अमृतसर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी हिस्ट्री की जो सारी कहानियाँ हुई थी वो सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। और यहाँ आर्ट एक गैलरी है, गैलरी भी दी गई है जो कि सारे उस वक्त के जो चित्र थे उन्हें दर्शाया गया है, उन्हें दिखाया गया है। बुलेट के निशान हैं, और जो बाकी सारी जो उस वक्त के टाइम की चीज़ें थी वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आप जलियांवाला बाग आएँ तो ज़रूर, अमृतसर आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर विज़िट करेंगे आप, आपको ख़ुद लगेगा कि ये वाकई बहुत अच्छी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। अच्छा, तो पुरानी जो हिस्ट्री थी वो सारी आपके सामने यहाँ पर होती है, आपको उसे देखना होता है, सारी चीज़ें उसे समझनी होती हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक यहाँ पर कुआं बना हुआ है जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया था, कुछ लोग उसमें जब दंगे हो रहे थे तो कुछ लोग उसमें कूद गए थे, अपनी उन्होंने अपनी जान दे दी थी। वो भी हमने कुआं देखा, वो भी बहुत गहरा कुआं है।
Hoping we'll survive. Oh, praise our